everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. I make videos on makeup, fashion and lifestyle. So I'm back with another makeup video and today I'm going to share this makeup look which is kind of fun makeup look. Actually, इस तरह के makeup look आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलते होंगे मेरे channel पर. ये makeup look जो है ना, ये थोड़े time पहले काफ़ी ज़्यादा trending था. I don't know, मेरी नज़र में क्यों नहीं आया. अभी कुछ दिन पहले मैं जब Insta scroll कर रही थी तो ये makeup look जब मैंने देखा, I fell in love with this look. सच में मुझे इतना अच्छा ये लुक लगा. एंड अभी होली भी पास में ही है, लाइक 10-15 दिन बाद होली भी आ रही है, तो ये मेकअप लुक काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है होली के लिए भी. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स मूव ऑन टू वीडियो. स्किन केयर मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है और अगर आप भी ये मेकअप लुक होली पर करना चाहते हैं तो अच्छे से स्किन केयर कर लेना, अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेना, क्योंकि होली में जो भी कलर वगैरह यूज़ होते हैं उससे ना स्किन हमारी डैमेज हो जाती है. तो अगर आप अच्छे से स्किन केयर कर लेंगे तो थोड़ा सा आपकी स्किन कम डैमेज होगी, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही. और उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर जो कि इनसाइट कॉस्मेटिक का, और इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी. एंड देन मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर, और मैं यहाँ पे क्रीम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. आप लिक्विड कंसीलर यूज़ करना. क्रीम कंसीलर जो होता है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, बट इसको हम बाद में सेट कर लेंगे पाउडर की हेल्प से, क्योंकि ये जो कंसीलर है ना बहुत ही अच्छे से मेरे स्किन में मैच हो जाता है. और मैं फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कंसीलर यूज़ करूँगी, और वो भी जहाँ जहाँ पर मेरे यू नो डार्क स्पॉट वगैरह हैं या पिगमेंटेशन वगैरह हैं वहीं पर मैं इसको यूज़ करूँगी, पूरे फेस पे नहीं यूज़ करूँगी. अभी मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं किया है क्योंकि मैं एक कंसीलर और यूज़ करने वाली हूँ हाइलाइटिंग पर्पज़ से. ये है स्विस ब्यूटी का, और अपनी लिड पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करूँगी क्योंकि ये कलरफुल मेकअप है, तो अगर मैं अच्छे से अपने लिड पे अप्लाई करूँगी तो कलर जो है ना वो पॉप होके आएगा. और थोड़ा सा मैं कॉन्टोर भी करूँगी अपने फेस को, बहुत ही हल्का सा. और आज मैं ना सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई करूँगी एंड देन साथ में ही ब्लेंड करेंगे. एंड ब्लश के लिए मैं निक्स की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही फ्रेश आता है इससे क्योंकि अब समर भी आ चुकी है, तो ये ना थोड़ा सा जब मेकअप फ्रेश होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ, बट ये इतना ज़्यादा इसका कलर आएगा नहीं, आप देखना ब्लेंड करने के बाद. और थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ है क्योंकि ना पहले क्या था कि कोविड था तो इतना ज़्यादा शोर सुनाई नहीं देता था, बट अभी मेरे फ्लैट के नीचे ही यहाँ पर बैडमिंटन वो है, तो यहाँ पर सारे बच्चे खेलते हैं और ये जो टाइम है ना इसी टाइम पे खेलते हैं. कितना भी इनको मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा धीरे बोलो, बट ये सुनते ही नहीं, और इनके लिए क्या ही बोल सकते हैं. स्कूल खुलने वाले हैं तो थोड़ा सा शांति हो जाए मे बी, बट ये थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे. जब भी मैं इनको बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलो, चुप हो जाएंगे एंड फिर 5 मिनट बाद फिर से इनका नॉर्मल हो जाता है. देखो ब्लेंड करने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, कितना नेचुरल लग रहा है. एंड अब मैं पूरे फेस को सेट करूँगी क्योंकि मैंने सारे ही क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं एंड समर भी आ चुकी है, तो थोड़ा सा मुझे मैट लुक चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं. और ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना ये काफ़ी फाइन है, तो ये बिल्कुल भी केकी वगैरह नहीं लगता, बस आपके मेकअप को अच्छे से सेट कर देगा ये. एंड देन मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर यूज़ करूँगी. हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का फ्यूज़न हाइलाइटर. मेरा बस चले ना तो मैं हाइलाइटर में नहा लूँ. देन मैं पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी. मेरे साथ क्या होता है ना कि जब ये वाली आईब्रो परफेक्ट हो जाती है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और जब ये वाली परफेक्ट हो जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है. मतलब दोनों कभी भी एक साथ परफेक्ट नहीं होती, बट आज हम दोनों को परफेक्ट बनाएंगे. काफ़ी हद तक सिमिलर है. एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का वो अब स्टार्ट होने जा रहा है. तो आई मेकअप के लिए मैं एक तो ये वाला पैलेट यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, यू कैन सी. एंड देन मैं ये वाला पैलेट यूज़ करूँगी, इसमें भी मुझे ये दो कलर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पिंक एंड ये जो वॉर्म ऑरेंज है ये कलर. एंड देन मैंने यहाँ पे छोटा सा टिश्यू पेपर लिया, जो बहुत ही लाइट वाला टिश्यू पेपर नहीं होता, बहुत ही हल्का वाला, आपको वो टिश्यू पेपर लेना है. क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरा टिश्यू पेपर भी लिया था, बट ये थोड़ा सा थिक है, ये जो बहुत लाइट सा होता है टिश्यू पेपर वो लेना है आपको. एंड इसको ना आपको क्रश ऐसे इस तरह से कर देना है ताकि इसमें ना बड़े सारे रिंकल पड़ जाए ना, क्योंकि जितना ज़्यादा रिंकल पड़ेगा ना ये उसी तरह से कलर को पिक करेगा. एंड मेरे लिड पे ना बहुत ही कम स्पेस है तो मुझे छोटू सा बनाना पड़ेगा इसको. सबसे पहले मैं ना यहाँ पे येलो कलर पिक कर रही हूँ क्योंकि येलो मेरी ड्रेस का भी कलर है एंड ये थोड़ा सा मैच होगा. एंड देन मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज. एंड
थोड़ा थोड़ा सा ना चेंज करते जाना टिश्यू का जो साइड है, क्योंकि नहीं तो कलर मिक्स हो जाएगा। अभी मैं ले रही हूँ पिंक। एंड इसके बाद मैं लूंगी ब्लू, क्योंकि ब्लू डार्क कलर है एंड डार्क कलर हम अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। इस मेकअप में ना कोई रूल नहीं है, आपको जो भी कलर पसंद है और जैसे भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कलर बाद में आएगा ये कलर पहले, बट कोशिश करना कि लाइट कलर जो हो ना वो इनर कॉर्नर की तरफ हो एंड डार्क कलर जो हो वो आउटर कॉर्नर की तरफ हो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मैंने तो इसमें कुछ भी मतलब लाइक वो नहीं किया है, बस मैंने जो भी मुझे अच्छा लगा है रैंडमली मैंने वो कलर पिक किया है एंड जस्ट उसको अप्लाई किया है मैंने। ओह पर्पल तो रह ही गया, पर्पल तो हम ज़रूर करेंगे। एंड थोड़ा सा ना मैं इसको थोड़ा सा इंटेंस करूँगी, फिर से सारे कलर में अप्लाई करूँगी क्योंकि अभी थोड़ा सा लाइट लग रहा है ये। एंड इनर कॉर्नर को मैं ये पैरेट ग्रीन से हाईलाइट करूँगी। ये लुक करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक कलर के ऊपर दूसरा कलर नहीं रखना है और आपको इसे ज़रा सा भी ब्लेंड नहीं करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ब्लेंड करेंगे ना तो इसमें ये लुक नहीं आएगा जो स्प्रिंकल वाला लुक आया है, इस तरह से उस तरह से लुक नहीं आएगा। क्योंकि इस साइज़ में मैंने वही गलती की, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कलर थोड़ा सा फेड हो गया था क्योंकि मैंने एक कलर के ऊपर दूसरा कलर रख दिया एंड उसको हल्का सा ब्लेंड भी कर दिया। बट अभी क्या किया मैंने, आईज़ पे बिल्कुल जहाँ जहाँ पे एक कलर रखा है वहाँ पे मैंने दूसरा कलर नहीं रखा। एंड यू कैन सी कि कितना इंटेंस अभी कलर आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस आईज़ में जहाँ पे जो कलर रखना, याद रखना उस आईज़ में उसी टाइप से कलर रखना, वरना दोनों आईज़ का जो लुक है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने अगर अंदर की तरफ येलो रखा है तो याद रखना, बीच में मैंने पर्पल रखा है तो मैंने याद रखा है, एंड देन एंड में मैंने यहाँ पे ब्लू रखा है, तो इस तरह से याद रखना आप। लैशेस मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली और हम थोड़ा सा अपने ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लेते हैं। जब इतना सारा हाईलाइट किया ही है तो हम इसको क्यों छोड़ें। मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब आ जाते हैं लिप्स पे। तो लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर की लिपस्टिक ली है और इसके ऊपर मैं ग्लॉस भी अप्लाई करूंगी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना। बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।